नालागंज के गांव कोटला में नए क्रेशर को लेकर विवाद चल रहा है और जो थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन ग्रामीणों के साथ हुई मारपीट में पुलिस और प्रशासन का उचित सहयोग न मिलने के चलते सैकड़ों ग्रामीणों ने पुलिस स्टेशन और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और नालागढ़ प्रशासन को क्रेशर को लेकर विवाद से पहले अवगत करवा दिया था, लेकिन दोनों विभागों की ओर से समय रहते मौके पर नहीं आया और प्रशासन ने मजबूर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर पुलिस और प्रशासन समय रहते मौके पर पहुंचता तो एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल ना होते। वहीं डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने भी बताया कि ग्रामीण पुलिस स्टेशन नालागढ़ आए थे, जिन्हें आश्वस्त किया गया कि पुलिस अपनी नियमानुसार कार्रवाई कर रही है। हमारे बच्चे 3 बजे से दौड़ लगाते हैं ग्राउंड में जाकर, और हमारा कब्रिस्तान भी उन्होंने तहस नहस कर दिया है। बच्चों का जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मरते हैं उनको वहाँ दफनाया जाता है, उन्होंने वहाँ से जबरदस्ती सड़क निकाल दी है, मशीनें चलाई। कल हमें पता नहीं था, ना हमारे बच्चे घर पर थे और ना हमारे आदमी घर पर थे, हम लेडीज भी पूरी वहाँ नहीं थी घर पर। झजरा जो हमारा दबोटा चौकी के अंतर्गत नालागढ़ थाने क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे जो है दो पक्षों के बीच जो है लड़ाई हुई थी, और इस संदर्भ में जो है कल दो FIR जो है 147, 149, 323, 506 में दोनों पक्षों की तरफ से जो है रजिस्टर की गई थी। तो इस संदर्भ में जो एक FIR जो हमारी रजिस्टर हुई थी ग्राम पंचायत जो निवासी है झजरा गांव के ही सुखविंदर सिंह की तरफ से, उनकी तरफ से ये था कि पहला उनका इशू था कि पुलिस लेट आई। तो मैं पुलिस लेट आने के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारे को इसकी सूचना है वो 12:15 बजे पुलिस चौकी को जो हमारे दोबोटा उनके इंचार्ज को फ़ोन आया था, और 12:25 पे SP ऑफिस में फ़ोन आया था। तो जैसे ही फ़ोन आया था उसी समय SP साहब के दिशा निर्देश अनुसार जो है एक टीम हमारी जो है जोगू चौकी से जो है 12:30 बजे निकल गई थी, और दूसरी चौकी जो दोबोटा की टीम थी वो एक कंप्लेंट में हॉस्पिटल आई हुई थी।